मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिया, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको, आपको बनना चाहिए। हार को नहीं, आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते। कि दुनिया कहे कि हाँ भाई, तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है, ऐसे हो नहीं सकता। जैसे हमारे पति यह सोचते थे शुरू से ही कि तुम तो हो अवलिया, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता। वो ये विश्वास पूर्ण उनको था, कभी हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर लो, सर मार लो, कभी नहीं हो सकता, और जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग बदल गए, तो कह ले भाई, अब मैं ऐसे बेईमानी नहीं हो सकती, बस आप तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तुमने कर दिया। कुछ किया नहीं, आपके अंदर जो हीरा था वही आपके सामने ला के रख दिया कि बेटे तुम ये हीरा हो, ये देख इस हीरे की चमक में तुम आ जाओ, और तो कुछ किया ही नहीं। और जब वो हीरा सामने आया तो लोग भी तो देख के हैरान हो जाते कि साहब ये क्या थे और आज क्या हो गए। पहले तो कंकड़ पत्थर के बराबर भी नहीं थे, आज हीरा बन के माँ के मुकुट में चमक रहे हैं। सारा वातावरण, सारी सृष्टि, पंच महाभूत सारे आपके चरणों में खड़े हुए हैं, मैं आपसे बता रही हूँ। लेकिन आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा। अब हमारे प्यार की बात ऐसी है कि हमने आपको हमारे शरीर में स्थान दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मेरा शरीर दुखता है। ये शरीर इतना अजीब है कि प्यार में इसने सबको अंदर ही समेट लिया। अभी एक बच्चा जो कि पार बच्चा है, लंदन में सीढ़ी पे से गिरा और उसको बुरी तरह की चोट आ गई और उसका ब्रेन बिल्कुल फट गया, और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो अजीब तरह से खून से भर गया। और मेरी हालत ऐसी ख़राब गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन होगा जिसको इतनी तकलीफ़ हो गई हो। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया और इन्होंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा एक बच्चा गिरा वो और उसका ऐसा हुआ, उसी वक्त मेरी तकलीफ ठीक हो गई और बच्चा भी उधर ठीक हो गया, जिसकी कोई आशा नहीं थी बचने की। अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया, थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं, पर मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर लिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर मैं दौड़ रहा हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ ना हो। और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए, फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए। जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से, अपने को एक उच्चृंखल फ्रिवलस लोगों जैसे या किसी ढोंगी हिपोक्रिट जैसे कोई सा भी कार्य नहीं होना। बहुत से लोग हैं वो बहुत बन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कुंडलिनी तो वहीं पे जमी हुई है। कुछ लोग हैं बकबकते रहते हैं,
सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है? एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए, अभ्यास। जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है ना, अभ्यास करना चीज क्या। सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए, लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता, सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना ध्यान लगा लिए बस हो गया? ऐसे थोड़ी, खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों, अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया, आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर के सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए, समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हुआ,